बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के लिए हिंदी में आपके साथ हूँ। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या आप हिंदी में जो कुछ भी पढ़ते हैं, क्या आपने अपनी अनुक्रमणिका देखी है, या हम जिसे कहें विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, इंडेक्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठाकर बताइए। वेरी गुड। हम जो पाठ पढ़ते हैं, आप अभी जो पाठ पढ़ रहे हैं, उन पाठों को क्या आपने देखा है, लिखे हुए देखा है? कचरा और उज्जैन, चलिए तो आज हम ये देखेंगे कि हम जो कुछ भी हिंदी विषय में पढ़ते हैं, उन पाठों को या वो जो भी रचनाएं हैं, वो किस किस तरह की रचनाएं हैं। आज का हमारा विषय है भाषा बोध के अंतर्गत काव्य के विविध रूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि काव्य है क्या। काव्य के अंतर्गत हम आते हैं काव्य की परिभाषा पर। सबसे पहले देखिए कि काव्य है क्या। अभी तक हमारे मन में यह भ्रांति होती है कि सिर्फ जो गाया जा सकता है या जो कविता है वही काव्य है। आज ये समझना बहुत आवश्यक है कि काव्य गद्य भी हो सकता है और पद्य भी हो सकता है। तो इसीलिए आगे आज की पूरी कक्षा काव्य पर आधारित होने वाली है। देखते हैं काव्य है क्या। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द हैं वही काव्य हैं। रमणीय अर्थ अर्थात ऐसे विषय वस्तु जिसके माध्यम से हमें ऐसे शब्दों का या ऐसे भावों का आभास हो जिसके कारण एक आनंद की अनुभूति हो। इस तरह के जो शब्द होते हैं, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो, काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं जगन्नाथ जी के शब्दों में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अगली परिभाषा हम देखते हैं आचार्य विश्वनाथ की, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात जो भी वाक्य होते हैं जिनमें रस की अनुभूति हो, आनंद प्राप्त हो, वही काव्य है। आनंद या रस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रस क्या होते हैं। तो रस से अभिप्राय सिर्फ खुशी या फिर आनंद की अनुभूति, सुखद अवस्था में होना नहीं है। रस आपको दुखद क्षणों में भी प्राप्त हो सकता है। हम जैसे देखते हैं कि रस जो है वो 10 प्रकार के होते हैं, और उन सारे रसों के जो प्रकार हैं उनके आधार पर अगर आपको रस की प्राप्ति होती है या आपको अनुभूति होती है, आभास होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह काव्य है। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अगली परिभाषा हम देखते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी के आलोचना क्षेत्र के सबसे बड़े नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। मनुष्य के साथ, सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध, अच्छे संबंधों का जहां समावेश हो, जिनकी रक्षा हो, निर्वाह हो,
ऐसे किसी भी साहित्य को हम काव्य कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं। तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि कविता क्या है। कविता है, काव्य है वह जिससे रस की अनुभूति हो। काव्य के भेद के अंतर्गत अगर हम आते हैं तो हम देख पाएंगे कि काव्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि काव्य के कितने भेद होते हैं? आरोन गुना, नसरुल्ला गण सीहोर, माइक ऑन कीजिए। हाँ यस मैम, बेटा बताइए, नाम क्या है आपका? कन्हैया आरोन कन्हैया चौहान। चौहान। अच्छा, अभी कौन सा मास चल रहा है आपको पता है हिंदी में? मैम अभी सावन मास गया है मैम, भादो मास आया है, भाद्र मास। अच्छा, भाद्र मास चल रहा है ना? तो यस मैम, कन्हैया का भाद्र से क्या संबंध है मैम बताएंगे? जन्माष्टमी आ रही है क्योंकि हमारा जन्म हुआ था, मेरा नहीं तो हाँ, किसने वेरी किसका जन्म गुड। हुआ था। जन्माष्टमी आ रही है और कन्हैया का जन्म हुआ था। चलिए, यस बहुत मैम, अच्छा, आपको पता है। आप मुझे बताएंगे कि आपने काव्य के बारे में क्या पढ़ा है, कुछ पता है आपको? काव्य में उसे कहते हैं जिसमें हमको पढ़ने में ऐसे शब्द जिनके हमें आनंद मिलता हो, रस की अनुभूति हो, हमारे जीवन में उत्साहित होता है, उसे काव्य कहते हैं मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां बजाइए अपने लिए। चलिए, हम देखते हैं कि काव्य के भेद क्या होते हैं। काव्य तो हमें समझ में आ गया कि काव्य क्या है, यस लेकिन मैम, अब हम देखते हैं कि काव्य के भेद क्या है। ठीक है, आगे यस बढ़ते हैं। माइक ऑफ कीजिए बेटा। काव्य के भेद के अंतर्गत हम आते हैं दो भेद पर, जो है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। एक काव्य वह जो देखा जा सकता है और दूसरा काव्य वह जो सुना जा सकता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत ज्यादातर संस्कृत के जो नाटक परंपरा है, प्राचीन परंपरा, वो आती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के जो नाटक हुआ करते थे, जिनको दश रूपक कहा जाता है, याद रखिएगा, दश रूपक जो साहित्य हुआ करता था वो कहलाता है दृश्य काव्य। ठीक है, वो ज्यादातर उस समय के जो नाटक हुआ करते थे संस्कृत के, वो नाटक परंपरा के जो 10 बिंदु हैं उनके अंतर्गत लिखे जाते थे, उन्हीं के अंतर्गत उसका काव्य रूप में मंचन किया जाता था। इसीलिए दृश्य काव्य से आगे बढ़कर हमारे पाठ्यक्रम में जो हमें मिलता है वो है श्रव्य काव्य। तो पहला रूप हुआ दृश्य काव्य, दूसरा हुआ श्रव्य काव्य। श्रव्य में अब हम देखते हैं कि श्रव्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं। श्रव्य का अभिप्राय क्या है? श्रव्य का अभिप्राय है ऐसा काव्य जो कि सुना जा सकता है। ठीक है, सुना जाने वाला जो साहित्य है, जो काव्य है, वो है श्रव्य काव्य। यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है ध्यान रखने में, कि हमें यह ध्यान रखना है कि अभी तक जो हमारे मन में भ्रांति रहती है कि कविता ही बस काव्य है, तो यह भ्रांति हमारी गलत है। कविता जो है वो श्रव्य काव्य का एक रूप है, और काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों आते हैं। तो काव्य का अभिप्राय यहाँ साहित्य से लिया गया था प्राचीन काल में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं श्रव्य काव्य में पद्य एक रूप है, पद्य, दूसरा है गद्य और तीसरा है मिश्रित या फिर चंपू काव्य। धीरे धीरे हम इनको क्रमशः देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब हम हिंदी को पढ़ते हैं, हम साहित्य की समझ को लेकर या हम भाषा के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो यह उसका आधारभूत विषय है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर काव्य है क्या, और गद्य क्या है, पद्य क्या है, या फिर मिश्र चंपू काव्य क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम आप लोगों ने हिंदी की पुस्तक को सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो आपको मिलेगी अनुक्रमणिका, है ना? एमपीएस खंडवा, एमपीएस खंडवा, माइक ऑन कीजिए। हाँ बताइए।
और कोई नसरुल्ला गंज? खंडवा, माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या? एमपीएस खंडवा माइक ऑन करके बात करें, एमपीएस खंडवा। माइक ऑन कीजिए। हेलो मैम। हाँ बेटा, नाम बताइए। आरोन से गुना, ठीक है? हाँ। बोलिए बेटा, नाम क्या है आपका? लाल मीना। फिर से बताइए। लाल मीना। राहुल मीना। चलिए अब हम आगे से ऐसा करेंगे बेटा, जब हम नाम बताएंगे तो इतना क्लियर बताएंगे कि सभी को आसानी से समझ में आ सके, ठीक है? है ना? हाँ, तो राहुल मीना, ठीक है? चलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो हमारी हिंदी की पुस्तक आपने खोलकर देखी है अपनी कक्षा 9वीं की? हाँ। खोलकर देखी है? चलिए सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं, अनुक्रमणिका देखी है आपने? अनुक्रमणिका? हाँ, अनुक्रमणिका देखी? हाँ देखे। देखी, उसमें किस किस तरह के पाठ हैं? उसमें वो गद्य है। गद्य है, वेरी गुड। और बताओ? गद्य पद्य है। गद्य है और पद्य है, वेरी गुड। पीछे माइक दीजिए। हेलो मैम। हाँ बेटा बताइए, आपने अनुक्रमणिका में क्या देखा? नाम बताइए अपना। शिवराज सिंह कुशवा। अरे वाह शिवराज सिंह, आप तो राज कर रहे हैं, है ना? चलिए मुझे बताइए कि आपने अनुक्रमणिका में किस किस तरह के पाठ देखे? गद्य पद्य कहानी कविताओं के पाठ, एकांकी, निबंध। अच्छा, जब हम अनुक्रमणिका देखते हैं तो हमारे मन में एक बार के लिए विचार तो आता है कि ये अलग अलग तरह की चीजें क्यों हैं? कहानी भी है, एकांकी भी है ना? लगता हाँ। है कि नहीं? लगता है मैम। लगता है, पर हमें ये पता नहीं है अभी कि कहानी क्या होती है और एकांकी क्या होती है ना मैम? पता नहीं है। पता नहीं है ना, तो आज हम यही पता करेंगे, ठीक है? तो तैयार है सभी लोग? यस मैम। हाँ चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जब हम अनुक्रमणिका देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी अनुक्रमणिका में जो हम भाषा पढ़ने जा रहे हैं, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, उस साहित्य में हमारे समक्ष कई तरह के पाठ आते हैं। कई बार हम पद्य पढ़ते हैं, अर्थात कविता पढ़ते हैं, गद्य की बहुत सारी विधाएं पढ़ते हैं, और भी अन्य तरह के सहायक वाचन पढ़ते हैं। हमारे मन में किंचित यह प्रश्न तो आता होगा कि आखिर यह है क्या, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर आज की कक्षा में हम ढूंढेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम श्रव्य काव्य के एक रूप पद्य पढ़ जाते हैं कि पद्य है क्या। अब जो पद्य है वो कहलाएगा पद्य या फिर, इसमें आप देखिए कि पद्य में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो छंदबद्ध रचना होती है, लय होती है, गति होती है, संगीतात्मकता होती है, रस होते हैं और अलंकार होते हैं। धीरे धीरे करके हम इन बिंदुओं पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। छंद, छंद का अभिप्राय है मात्राओं का बंधन या मात्राओं के नियम। तो ऐसी रचना जो मात्राओं के नियम से बंधी हुई होती है, नियमबद्ध रचना होती है, वो कहलाती है काव्य। हम देखते हैं, हमने रामचरितमानस पढ़ी है ना, हम बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, उन कविताओं में हम देखते हैं कि एक निश्चित क्रम में मात्राएं, एक पंक्ति में एक निश्चित क्रम में मात्राएं लगी हुई हैं, और उन्हीं पंक्तियों में लगी हुई निश्चित क्रम की जो मात्राएं हैं वो कहलाती हैं छंद। छंद के अंतर्गत दोहा है, चौपाई है, हरि गीतिका है, आपने वो सुना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना करते हैं ना आप लोग, हाथ उठाकर जवाब दीजिए, सभी करते हैं हाँ। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो भी हम काव्यात्मक रूप में हमारे समक्ष जो चीजें आती हैं, जो रचनाएं हैं,
वो छंदबद्ध रचनाएं हैं, उनमें किसी ना किसी रूप से छंद के नियमों का समावेश है या छंद के नियमों का उसमें पालन किया गया है। अब हम आते हैं लय पर। तो बहुत ज्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारी रचनाएं हैं या हमारे पास जो काव्य या कविता आती है वो लयबद्ध होती है ना। हम सूरदास जी के पद पढ़ते हैं, मैया मुई दाऊ बहुत खिजायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, है ना। तो लयबद्ध तरीके से हम उन कविताओं को पढ़ते हैं। एक गति होती है निश्चित, संगीतात्मकता होती है, मतलब उनको धुन में भी गाया जा सकता है, संगीत दिया जा सकता है, एक निश्चित लय में, निश्चित गति में, निश्चित आरोह अवरोह के साथ उन कविताओं का या उन रचनाओं का पाठ किया जा सकता है। रस, रस से आप सभी परिचित हैं। रस जैसे कि 10 प्रकार के रस होते हैं, तो किसी ना किसी रस का समावेश काव्य में होता ही होता है। अलंकार, अलंकार पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, कुछ रचनाएं हमने ऐसी पढ़ी हैं जहां पर अलंकार का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, अर्थात कवि जब लिख रहा है तो लिखते समय उसके मस्तिष्क में या उसके मन में ये भाव रहता है कि हमें अलंकारों का प्रयोग करना है, और कई बार सहज रूप से उन अलंकारों का समावेश हो जाता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, है ना। कई जगह पर अपने आप हम पंक्तियों में देखते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं काव्य। काव्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं? काव्य या हम इसे कहेंगे पद्य। तो काव्य क्या? एक रूप जो कि है पद्य, उसमें लय होती है, गति होती है, संगीतात्मकता होती है, रस और अलंकार। इसके आगे हम बढ़ते हैं काव्य पद्य के भेद पर। पद्य के भेद पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पद्य दो रूप में हमारे सामने आता है। ये बात याद रखने वाली है कि पद्य के कौन कौन से रूप हैं, ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक। प्रबंध का अभिप्राय क्या होता है और मुक्तक का अभिप्राय क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध। प्रबंध आपने सुना है कि अब इन चीजों का प्रबंध किया जाए, है ना, कुछ कई बार कि हम प्रबंध कर लेंगे। तो प्रबंध का अभिप्राय है एक तरह से सुसंगठित रूप से चीजों को रखना, ठीक है। तो जब कोई पंक्तियां क्रमबद्ध तरीके से पूरी कथा के रूप में या फिर इस तरह से रखा जाए कि पूरा एक बंधन से बद्ध होकर जब कविता लिखी जाए तो वो प्रबंध काव्य कहलाएंगे। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आएगा महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। अब आपको यह ध्यान रखना है कि महाकाव्य वह काव्य है, ध्यान से सुनिएगा, महाकाव्य वह काव्य है जिसमें किसी के जीवन का पूरा संपूर्ण जीवन का वर्णन आता है, ठीक है। लेकिन किस रूप में आता है? काव्य रूप में आता है, पद्य रूप में आता है, या हम कह सकते हैं कि कविता के रूप में आता है। यह बात बहुत ध्यान में रखने वाली है क्योंकि उपन्यास में भी वही चीजें आती हैं जो महाकाव्य में आती हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि महाकाव्य में काव्य के रूप में जीवन के किसी भी ऐसे नायक या नायिका या फिर उदात्त चरित्र वाले व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन जहां होता है वह महाकाव्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोग मुझे बताइए, चलिए बालाघाट, एमपीएस बालाघाट, बालाघाट माइक ऑन कीजिए बेटा, हाँ माइक ऑन कीजिए। बालाघाट
भिंड कौन बताएगा? माइक किसका ऑन है? मुझ तक किसकी आवाज पहुंच सकती है? नसरुल्लागंज सीहोर? यस मैम। हाँ बेटा बताइए कहाँ से हैं? नसरुल्लागंज सीहोर मैम। हाँ चलिए आप मुझे बताइए कि क्या आपने कोई महाकाव्य पढ़ा है या कोई महाकाव्य का नाम सुना है? मैम यस मैम सुना है ना महाकाव्य। अच्छा चलिए पहले नाम बता दीजिए अपना। महाकाव्य टीचर हमारे सबसे बड़ा महाकाव्य तो हमारा महाभारत है। अरे वाह वेरी गुड। और रामायण है टीचर गीता जी। रामायण है। अच्छा रामायण किसने लिखी ये पता है आपको? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने। अरे वाह वेरी गुड तालियां आपके लिए। अच्छा और हिंदी में बताइए, ये तो सब संस्कृत में है तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कोई महाकाव्य का नाम सुना है आपने? हाँ बेटा नो मैम हिंदी में कोई महाकाव्य का नाम नहीं सुना। चलिए अच्छा मैं कुछ बोल रही हूँ आप मुझे बताइए कि ये क्या है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी क्या है ये? चौपाई है ना? यस मैम। तो ये कहाँ पर लिखी गई है पता है आपको? नहीं मैम। रामचरितमानस का नाम सुना है आपने? यस मैम। हाँ आपके घर में है? नो। अच्छा तो नाम तो सुना है ना? यस मैम सुना है। हाँ तो रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है। रामचरितमानस में किसका वर्णन है? राम के जीवन का संपूर्ण वर्णन। यस मैम। हाँ मैम। तो अब हम रामचरितमानस को आधार बनाकर महाकाव्य के कुछ लक्षण देख लेते हैं ठीक है? यस मैम। बहुत अच्छे। अब आप देखेंगे कि महाकाव्य के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं कि महाकाव्य में किसी भी नायक या नायिका के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है ठीक है? तो हम रामचरितमानस को अगर देखें तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जन्म से लेकर अंतिम उत्तरकांड जब हम जाते हैं तो वहां तक पूरा उनका वर्णन है ठीक है? तो एक लक्षण जो है उसके आधार पर हम रामचरितमानस को महाकाव्य कह सकते हैं और वो महाकाव्य ही है। दूसरा लक्षण आता है कि नायक या नायिका कैसा हो। नायक या नायिका का अभिप्राय होता है उस जो रचना है उसकी मुख्य भूमिका किसकी है ठीक है? आप लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं तो आप आकर अपने किसी भी दोस्त से पूछते हैं ना कि उसका हीरो कौन है ना? तो ये है हीरो जो है वो है नायक ठीक है, हिंदी में वही नायक है। तो नायक का अब नायक या नायिका कैसी हो सकती है? तो नायक या नायिका उदात्त चरित्र वाली हो ठीक है। नायक या नायिका में कुछ चारित्रिक विशेषताएं हो तभी उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन कोई करेगा है ना। अगर चरित्रवान नहीं है, उसका चरित्र उदात्त नहीं है या फिर चरित्र में कोई ऐसी विशेषताएं नहीं है जो कि समाज को कुछ दे सके तो क्या उनके ऊपर कोई महाकाव्य लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए अगला जो लक्षण है वो है नायक या नायिका का उदात्त चरित्र। अब हम आगे फिर से बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्योंकि महाकाव्य है तो इसमें पात्र बहुत ज्यादा होंगे है ना, क्योंकि संपूर्ण जीवन का वर्णन है। बाल्यकाल से लेकर अंत तक का अगर वर्णन है तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बचपन से लेकर अंतिम समय तक कई लोग जुड़ते हैं, अलग अलग रूपों में जुड़ते हैं, अलग अलग संबंधों के रूप में जुड़ते हैं या हम कह सकते हैं अलग अलग भूमिकाओं में हमारे सामने आते हैं। तो उन भूमिकाओं में आने वाले जितने भी लोग हैं वो उस महाकाव्य के सहायक पात्र हो जाएंगे ठीक है। आगे अब हम देखते हैं
अगली विशेषता तो महाकाव्य, क्योंकि ये पद्य है तो इसमें और एक विशेषता होती है कि जो कथा है वो क्रम से चलती है, ठीक है। क्रम से चलने का अभिप्राय है, अगर आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ना शुरू कीजिए। आज जाकर अपने घर में मम्मी पापा से पूछिएगा कि उनको रामचरितमानस के बारे में सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो महाकाव्य की एक और एक विशेषता होती है कि इसमें जो कथा है वो क्रमबद्ध रूप से चलती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले आपके विवाह की घटना उसमें आ गई और बाद में जन्म की घटना आई, वो दुर्घटना है जन्म तो, है ना, तो बाद में जन्म के बारे में आया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर क्रमबद्ध रूप से जब आगे हमारी कथा बढ़ती है तो वो महाकाव्य है। सर्गबद्ध रचना होती है, ठीक है, सर्ग होते हैं या फिर खंड होते हैं या फिर अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन महाकाव्य में कथा अलग अलग सर्गों में विभाजित होती है या फिर कांड में विभाजित होती है। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस में हम देखते हैं पहला कांड है ना, 7 कांड है रामचरितमानस में, ये ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस का जो कांड है वो 7 कांड है। क्रमबद्ध रूप से सभी कांडों का राम की कथा का वर्णन है 7 कांड के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं खंड काव्य पर अब इससे पहले फिर से आप लोगों के पास आती हूँ, बालाघाट, एमपीएस बालाघाट, एमपीएस भिंड, माइक ऑन कीजिए, भिंड, बालाघाट। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों को जो भी मैंने बोला क्या वो समझ में आया, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बस फिर से बताइए, समझ में आया? चलिए वेरी गुड। भिंड, माइक ऑन कीजिए, बुरहानपुर, खंडवा, बेटा माइक ऑन कीजिए, खंडवा, खंडवा, खंडवा माइक नहीं चल रहा है क्या आपका? एमपीएस खंडवा आपका माइक ऑन करिए। नसरुल्लागंज सीहोर, हाँ मैम, हाँ बेटा नाम बताइए। कन्हैया चौहान, फिर से बताइए। कन्हैया चौहान। कन्हैया जी आप फिर प्रकट हो गए, आप किसी और को दीजिए माइक। यस मैम। हाँ बताइए बेटा नाम बताइए। कन्हैया माइक में दिया आपने? यस मैम, हाँ फ्रेंड को दे रहे हैं हम। हाँ दीजिए, जल्दी दीजिए। उन्होंने बता माइक है भाई, बॉम्ब थोड़ी ना है जो लेने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। हाँ माइक लीजिए, जो बोलना है वो बोलिए, या फिर आप मैम। हाँ बेटा नाम बताइए। शुभम उइके मैम। शुभम, अच्छा शुभम आपको कुछ पूछना है जो अभी मैंने पढ़ाया उसके बारे में? नहीं टीचर। तो मतलब सब समझ में आ गया? यस टीचर, महाकाव्य समझ में आ गया। महाकाव्य समझ में आ गया? यस टीचर। आप मुझे अब फिर से बताइए कि महाकाव्य होता क्या है।
महाकाव्य वह काव्य है जिसमें एक नायक और नायिका का जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा वर्णन हो। अरे वाह बहुत अच्छे, ये तो मुझे भी नहीं पता था, तालियां बजा दीजिए अपने लिए। चलिए और क्या हो सकता है, और क्या? और टीचर शुभम, हाँ बताइए बेटा। यस टीचर, और कुछ नहीं टीचर, और कुछ नहीं होता महाकाव्य में। चलिए अब अपने पड़ोस में दीजिए माइक। यस टीचर, हाँ बेटा नाम बताइए। सर राजेश बारेला। राजेश, अच्छा चलिए राजेश आप मुझे बताइए कि महाकाव्य क्या होता है, जो अभी आपके मित्र ने बताया उससे हटकर कुछ बताइए, और क्या हो सकता है महाकाव्य में? सर महाकाव्य बताइए, जो समझ में आया वो बताइए, और नहीं आया तो फिर पूछिए कि क्या समझ नहीं आया। सर क्रम से बताया जाता है उसे काव्य कहते हैं। क्रम से बताया जाता है, क्या बताया जाता है क्रम से? लड़ाई के बारे में जानकारी दी जाती है क्या क्रम से? टीचर जीवन के बारे में लड़ाई करते हैं ये। जीवन के बारे में, हाँ बेटा सबसे पहले हम सभी लोग एक आदत डालेंगे कि हम वाक्य पूरा बोला करेंगे, ठीक है? हम क्या करते हैं एक शब्द में उत्तर दे देते हैं, ठीक है? एक शब्द में उत्तर देना हिंदी में तो बहुत ही ज्यादा बहुत डेंजरस है ना? तो हम पूरा वाक्य बोला करेंगे, ठीक है? अब बताइए, हाँ क्रमबद्ध किसका वर्णन? जीवन का वर्णन ना? यस टीचर, हाँ वेरी गुड, तालियां बजाइए। चलिए अपने आप, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं खंड काव्य। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर ज्यादातर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है और आपको इसका अंतर पता भी होना चाहिए, ठीक है? तो महाकाव्य में बस अब मैं थोड़े से उदाहरण आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी रचनाएं महाकाव्य के अंतर्गत आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस जिसकी रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो है महाकाव्य। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगली जो रचना जिसे हम महाकाव्य कह सकते हैं वो है कामायनी, ठीक है? कामायनी का नाम आपने सुना होगा, कामायनी की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। फिर उसके बाद हम आते हैं साकेत, आधुनिक युग में साकेत मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, वो महाकाव्य के अंतर्गत आती है। तो महाकाव्य के बारे में जब हम लिखेंगे तो किस तरह से उत्तर देंगे, उसकी विशेषताएं बताएंगे, महाकाव्य में क्या होता है, और फिर उदाहरण, उदाहरण के रूप में आप महाकाव्य रामचरितमानस कामायनी साकेत को लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं खंड काव्य पर। जैसा कि आपको सुनने से ही समझ में आ रहा होगा कि खंड का अभिप्राय होता है एक टुकड़ा, एक हिस्सा, है ना? तो जैसे महाकाव्य का अभिप्राय होता है जीवन के संपूर्ण कथा का वर्णन, जीवन के संपूर्ण हिस्से का वर्णन, ठीक वैसे ही खंड काव्य का अभिप्राय उससे विपरीत क्या होगा, जीवन के एक खंड का वर्णन या जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन, ठीक है? नायक नायिका उदात्त चरित्र वाले होंगे, महाकाव्य में भी ऐसा होता है और खंड काव्य में भी ऐसा होता है, लेकिन उनके जीवन का संपूर्ण वर्णन ना करके उनके जीवन के किसी एक भाग, एक हिस्से या एक खंड का वर्णन किया जाएगा, तो वहां पर होगा खंड काव्य। अब खंड काव्य में और क्या हो सकता है, क्योंकि महाकाव्य में हमने देखा कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन है, इसीलिए महाकाव्य में बहुत सारी कथाएं जुड़ी होती हैं, है ना? क्योंकि जीवन के बहुत सारे भाग ऐसे होते हैं, बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जब अलग अलग तरह की घटनाएं हमारे साथ होती हैं, अलग अलग तरह के
बातों से हम गुजरते हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की घटनाओं या कथाओं का उसमें चित्रण होता है। लेकिन खंड काव्य मतलब किसी एक हिस्से का वर्णन, तो इसमें कथाएं कम होंगी, है ना। ये एक अंतर महाकाव्य और खंड काव्य में हो जाएगा। फिर खंड काव्य में जीवन के किसी एक हिस्से का या एक भाग का वर्णन होगा। अब जब एक भाग का वर्णन होगा तो फिर क्या होगा, पात्र भी कम हो जाएंगे। मान लीजिए आप कोई उदात्त चरित्र वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके जीवन पर खंड काव्य लिखा जा रहा है, आप बिल्कुल उदात्त चरित्र वाले बनिए, मैं आपके जीवन पर खंड काव्य लिखूंगी, ठीक है। तो कौन कौन है तैयार बनने के लिए, हाथ उठाइए। बस, अरे वाह, फिर ठीक है, आप जीवन में बहुत अच्छे काम कीजिए, खंड काव्य लिखने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। खंड काव्य में क्या होता है कि जीवन के किसी हिस्से का वर्णन होता है, और उस हिस्से में, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक अनेक घटनाएं होती हैं, तो किसी एक घटना में कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, तो इसीलिए खंड काव्य में पात्र भी कम हो जाते हैं, ठीक है। महाकाव्य में ज्यादा लोग जुड़े होंगे क्योंकि ज्यादा कथाएं हैं, एक अंतर ये हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि खंड काव्य के उदाहरण। आप लोगों ने पंचवटी का नाम सुना है बच्चों, जब मैं आपसे कोई कोई प्रश्न करूं और आपका माइक ऑन ना हो तो मुझे हाथ उठाकर जरूर जवाब दिया कीजिए, ठीक है। खंड काव्य का नाम सुना है आपने, पंचवटी का नाम सुना है, वेरी गुड। पंचवटी जो खंड काव्य है उसके बारे में किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है पंचवटी। पंचवटी में भगवान श्री राम के पंचवटी पहुंचने की घटना का वर्णन है, सिर्फ एक घटना या जीवन के उनके एक हिस्से का वर्णन है, इसीलिए वो खंड काव्य कहलाता है, ठीक है। आपने यशोधरा नाम सुना होगा, यशोधरा नाम का एक खंड काव्य है, वह भी जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन है, इसीलिए उसमें उसे खंड काव्य की संज्ञा दी गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पद्य का एक रूप, प्रबंध, ठीक है। खंड काव्य में भी क्रम से संयोजन किया जाता है भावों का, है ना, मतलब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आप रामचरितमानस उठाकर देखिएगा, इतना मोटा ग्रंथ है, ठीक है। अगर आप कोई खंड काव्य उठाकर देखेंगे तो हो सकता है वो 20 पेज का या 25 पेज का हो, लेकिन फिर भी ये बड़े होते हैं। अब हम अगले रूप पर आते हैं पद्य के, जो कि है मुक्तक काव्य, ठीक है। मुक्त मतलब या मुक्तक का अभिप्राय होगा खुला हुआ या जिसमें कोई बंधन ना हो, तो मुक्तक काव्य वह काव्य कहलाएगा जहां पर रचनाओं में या काव्य में या फिर पद्य में या कविता में जो शब्द आप प्रयोग करना चाहते हैं वहां पर आपको कोई बंधन ना हो, जो कथा है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। जैसे महाकाव्य और खंड काव्य की जब हम बात करते हैं तो जब हम एक छंद पढ़ेंगे या एक चौपाई पढ़ेंगे तो उससे आगे की चौपाई पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अगली कथा ये है ना, तो क्रमबद्ध कथा रहती है। लेकिन मुक्तक में क्रमबद्ध कथा ना होकर छोटे छोटे मुक्तक के रूप में, चार पंक्तियां, छह पंक्तियां, इन पंक्तियों के रूप में कोई भी मुक्तक लिखा जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी कवि सम्मेलन देखे हैं, कवि सम्मेलन सुने हैं आप लोगों ने, हाथ उठाइए, हाँ या ना, कुछ लोगों ने सुने हैं। चलिए, तो कवि सम्मेलन में क्या होता है, छोटे छोटे चार चार और पांच पांच पंक्तियों के मुक्तक सुनाए जाते हैं, वो है मुक्तक, जिनमें कोई कथा नहीं होती, बस एक भाव होता है, छोटा सा एक भाव लेकर उन मुक्तकों की रचना की जाती है, ठीक है। तो मुक्तक होते हैं वो, मुक्तक अभी हमारे लिए बहुत आगे की बात है, आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गद्य में। अभी हमने काव्य का पहला रूप पद्य पढ़ा,
अब हम जाते हैं गद्य में कि गद्य में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी विधाएं होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने ही अभी नाम लिए थे कि गद्य हम जब पढ़ते हैं तो हम किसी ने कहा कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, है ना, उन्हीं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्य है क्या। गद्य हम अगर देखेंगे तो हम पाते हैं कि गद्य वह रचना है जिसमें लय नहीं होती, गति होती है, लेकिन वहां विचारों की गति कुछ अलग तरह की होती है, है ना। कविताओं को गाया जा सकता है, पद्य को, उनमें संगीतात्मकता होती है, लेकिन गद्य में वो संगीतात्मकता नहीं होती। बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे आप लोगों से ही मैं प्रश्न करने वाली हूँ, ठीक है। और आपको पता है जो हिस्सा आज हम पाठ्यक्रम का पढ़ रहे हैं उससे आपसे अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, काव्य बोध के अंतर्गत, ठीक है। आप अपना सिलेबस उठाकर देखिएगा, वहां से अगर इस विषय को हम तैयार करते हैं, इस टॉपिक को तैयार करते हैं, तो आपको आगे हिंदी भाषा की पूरी समझ लगभग लगभग इस रूप में हो जाएगी कि आप जो भी रचना पढ़ रहे हैं वो किस रूप में है, गद्य की विधा है या पद्य की विधा है या वो किस शैली के अंतर्गत लिखी गई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं गद्य पर। गद्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, गद्य में क्रमबद्ध रूप से विचार तो होते हैं लेकिन वो लयबद्ध नहीं होते, उनमें संगीतात्मकता नहीं होती। आरोह अवरोह काव्य के जैसा आरोह अवरोह नहीं होता, लेकिन और क्या विशेषताएं होती हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब गद्य की कुछ विधाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहली विधा हम देखते हैं उपन्यास। अब एक बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि जो हम पद्य में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर करते हैं वही अंतर गद्य में कहानी और उपन्यास में है, ठीक है। बहुत ठीक से समझिएगा, उपन्यास क्या है, कोई बताएगा? खंडवा, छिंदवाड़ा, माइक जिसका ऑन हो ऑन करके बात कीजिए। चौराई, छिंदवाड़ा, किसी का माइक ऑन नहीं है? बताइए बेटा, खंडवा, छिंदवाड़ा, बताइए बेटा ना, माइक ऑन हो रहा है आपका? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। खंडवा, चलिए, आरोन गुना, आपका माइक ऑन हो सकता है? जी मैम। हाँ, वेरी गुड। चलिए बताइए मुझे कि क्या आपने उपन्यास कोई पढ़ा है या उपन्यास क्या होता है ये आप बता सकते हैं? वो कोई कवि उसको लिखता है, वो कवि की रचना को उपन्यास कहते हैं। कवि की रचना को तो महाकाव्य भी कहते हैं, और कुछ बताइए? और गलत है, हाँ, और कुछ बताइए। नाम आपका क्या है? लाल मीना। अच्छा, आप पहले मुझसे बात कर चुके हैं, हाँ, बताइए बेटा, और बताओ महाकाव्य वो उपन्यास क्या होता है? और कुछ पता नहीं है। और कुछ पता नहीं, चलिए पहले सिर्फ अपनी क्लास के लिए तालियां बजा लीजिए आप लोग, बजाइए। आरोन गुना, अपने लिए ताली बजाइए। हाँ, अब ये क्यों, इसका कारण ये है कि इतनी छोटी सी कक्षा है, मैं देख पा रही हूँ बहुत कम विद्यार्थी बैठे हुए हैं लेकिन एक्टिव हैं, है ना, माइक ऑन हो रहा है। बाकी कुछ कक्षाओं में इतने इतने सारे विद्यार्थी हैं लेकिन या तो शिक्षक नहीं है या फिर माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए आरोन गुना बोलो बेटा।
ओके मैम कैरी ऑन। हाँ पांडुना छिंदवाड़ा, चलिए आप पर ही आती हूँ। माइक कौन है आपका? जी मैम। जी हाँ बेटा बताइए, आपने कोई कहानी पढ़ी है? जी मैम। कौन सी? बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, पहले आप हैं कहाँ ये तो बताइए, कैमरे के सामने। पांडुना छिंदवाड़ा से बात कर रहे सर मैम। हाँ थोड़ा सा सामने आइए कैमरे के, नाम बताइए अपना। वैशाली सिरसागर। वैशाली, हाँ कौन सी कहानी पढ़ी है? बड़े घर की बेटी। ओके किसकी है, किसकी कहानी है? मालूम नहीं मैम। अच्छा किसने लिखी है ये नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं, अब हम पता करेंगे है ना। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि कहानी में होता क्या है, अगर पता है तो हाँ बोलिए, नहीं तो आप पूछिए कि मैडम आप बताइए क्या होता है। मैम आप बताइए क्या होता है, हमें नहीं मालूम। अच्छा अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। अच्छा बेटा आप लोगों के लिए एक बात है कि सारी चीजें तो हमको पता नहीं होती है ना, लेकिन कम से कम अगर हमको कोई बात नहीं पता तो हम पूछ तो सकते हैं ना। क्या आपके पूछने पर मैं फंदे पर लटकाने वाली हूँ आपको? नहीं मैम। नहीं ना, तो हाँ बिल्कुल आप मुझसे बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो टॉपिक चल रहा है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना? जी मैम। चलिए हाँ माइक ऑफ कर दीजिए। कहानी क्या है और उपन्यास क्या है? कहानी और उपन्यास में ठीक वैसा ही भेद है जैसा कि खंडकाव्य और महाकाव्य में है। अंतर सिर्फ इतना है कि महाकाव्य और खंडकाव्य पद्य में होते हैं, मतलब काव्यात्मक रूप में होते हैं, और उपन्यास और कहानी गद्य में होते हैं, गद्य शैली में होते हैं। अब उपन्यास क्या है? उपन्यास में जीवन के संपूर्ण भाग का वर्णन होता है। हमने देखे बहुत मोटे मोटे उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे कुछ नाम मैं आपको बता दूं, राग दरबारी बहुत अच्छा उपन्यास है पढ़िएगा, ठीक है। गोदान, राग दरबारी का नाम आपने सुना है, श्रीलाल शुक्ल का, ठीक है। फिर उसके बाद गोदान मुंशी प्रेमचंद का है ना, गबन, गबन भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, और बहुत सारे ऐसे उपन्यास है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास हिंदी में लिखे गए हैं जिनमें संपूर्ण जीवन का लगभग वर्णन होता है। अब उपन्यास में सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि आज के समय में या साहित्य का जो आजकल जो परिवेश चल रहा है उस रूप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि उपन्यास का जो मुख्य पात्र है या जो नायक है या जो नायिका है वो उदात्त चरित्र वाले हों, ठीक है, लेकिन यह आवश्यक हो जाता है कि वह लगभग लगभग बहुत सारी घटनाओं बहुत सारी कथाओं का समावेश उसमें हो। तो उपन्यास की एक विशेषता यह हो गई कि वो बड़ा होता है और कहानी छोटी होती है। उपन्यास में जीवन के लगभग संपूर्ण हिस्से का वर्णन आ जाता है, जबकि कहानी जीवन की किसी एक घटना एक पक्ष एक भाव को लेकर लिखी जाती है। जैसे आप लोगों ने अभी बहुत सारे नाम लिए, बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद की कहानी, पंच परमेश्वर, कफन है ना, कलयुग, दुष्यंत कुमार त्यागी का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, उनकी एक कहानी है कलयुग पढ़िएगा, वो एक कहानी है, और मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, अच्छी अच्छी कहानियां हैं है ना। हेलो हाँ कहाँ से? छिंदवाड़ा पांडुरना मैम। हाँ बेटा कुछ पूछना है आपको? उदार चरित्र का अर्थ? उदात्त चरित्र का अर्थ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उदात्त चरित्र का अर्थ होता है ऐसा चरित्र जिसमें इस तरह के गुण हो जो जीवन में जो उदारवादी विचार होते हैं। मतलब उदात्त कौन होगा भाई, एक व्यक्ति जो कि कोई कहीं से कोई कत्ल करके आ जाए, किसी का मर्डर कर दे है ना, किसी पर इतना गुस्सा उतारे कि उसे मार मार कर मतलब कितना पीटे उसको, इतना पीटे कि उसका
उसकी हत्या हो जाए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को क्या हम उदात्त चरित्र वाला कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो उदात्त चरित्र का अभिप्राय होता है ऐसी विशेषताएं चरित्र में हो जो कि मर्यादा की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब आया समझ में? जी मैम। हाँ, जैसे श्री राम का हम अगर उदाहरण लें तो श्री राम के चरित्र को हम उदात्त चरित्र कह सकते हैं या नहीं? कह सकते, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कुछ विशेषताएं बताएंगे आप? अभी प्रश्न किसने पूछा, नाम बताइए बेटा। वैशाली सिरसागर। वैशाली, चलिए बहुत बढ़िया, पूछते रहिए आगे भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़। उपन्यास और कहानी का अंतर आपको पता चल गया। कहानी जीवन की कोई एक घटना पर आधारित हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप विद्यालय आए, विद्यालय में आपके साथ कोई घटना घटित हुई, आप उस घटना को लेकर भी एक कहानी का निर्माण कर सकते हैं। या कोई साहित्यकार है, उसके जीवन का कोई एक भाव है, एक पक्ष है, एक घटना है, उस घटना या भाव या पक्ष को अभिव्यक्ति करने के लिए वो कहानी लिख सकता है। ठीक है, हम अलग अलग तरह की कहानियां पढ़ते हैं जो कभी भावों पर आधारित होती हैं, कभी किसी के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं पर आधारित होती हैं, है ना, कभी कोई सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक भाव, सामाजिक परिवेश पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी जीवन के किसी एक पक्ष को उजागर करती है। उपन्यास एक ऐसा पक्ष है जिसमें जीवन का वृहद रूप से, बड़े स्तर पर, बड़े तरीके से वर्णन होता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया है कि उपन्यास क्या है और कहानी क्या है। बहुत ध्यान रखिए कि उपन्यास और कहानी का अंतर ठीक वैसा ही है जैसा पद्य में महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नाटक और एकांकी। नाटक, नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होती है, कोई बताएगा? खंडवा, खंडवा अब आपका माइक ऑन है ना? हेलो, आरोन गुना। आरोन गुना, फिर से? चलिए बेटा बताइए तो फिर, नाटक क्या होता है? नाटक नहीं पता मैम, एकांकी पता है। एकांकी पता है, चलो एकांकी बताओ। अच्छा, अब घर पे जाके मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी आप नाटक देखती हो? ठीक है, देखती है मैम। देखती हैं, तो अब आपको पता है कि नाटक क्या होता है, है ना? चलिए एकांकी बताइए, एकांकी क्या होती है? एकांकी का रंगमंच पर आनंद लिया जाता है, एकांकी एक दृश्य बदावी होती है। अरे वाह बेटा, आप तो बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हो, है ना, मतलब बिल्कुल पुस्तक से पढ़कर अपनी अपनी भाषा में कुछ बोलो। चलो अब अपने मन से बताओ आप जो भी आपको पता है, ये तो हो गई हमारी किताब की भाषा। ठीक है, अब आप बताओ अपने शब्दों में बताओ कि एकांकी क्या होती है। इतना कठिन कठिन आप बताएंगे तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। हाँ अच्छा, चलिए बताइए, ऐसे ही बताइए क्या होती है एकांकी, फिर से बोलिए। दृश्य विधा, इसे रंगमंच पर भी अनुभव लिया जा सकता है। अरे वाह, दृश्य विधा है जिसे रंगमंच पर भी अनुभव किया जा सकता है। वेरी गुड, तालियां बजाइए सब लोग। नाम बताइए और अपना। शिवराज सिंह कुशवा। अरे शिवराज जी, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए आगे। चलिए अब हम आते हैं नसरुल्ला गंज सीहोर। माइक ऑन कीजिए। नसरुल्ला गंज सीहोर। हाँ बेटा माइक ऑन कीजिए। हो गए, हाँ हो गया, तो आवाज आएगी, आप बोलिए। यस मैम, बोल। चलिए आपको कुछ पूछना है अभी मुझसे उपन्यास और कहानी के बारे में? नो मैम, नहीं पूछना, तब पता चल गया। तब पता चल गया? यस मैम। अरे वाह, अब याद भी रखना है लेकिन, है ना? यस मैम। हाँ चलिए मैम, अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो अब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि नाटक क्या होते हैं, आपको पता है? यस मैम। क्या होता है नाटक? नाटक वह होता है टीचर जिसमें पात्र होते हैं बहुत सारे और उनके पात्रों से बताया जाता है, या फिर किसी घटना होती है उसको नाटक के रूप में ले सकते हैं, या फिर नहीं मैम, हाँ बताइए, किसी दृश्य को नाटक के रूप में दर्शा सकते हैं, अपन बता सकते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको नाटक कहते हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छे। आपका नाम बताइए। कन्हैया चौहान। कन्हैया चौहान, बेटा आप जो बोलेंगे तो थोड़ा सा गैप देकर, मतलब हम जब बोलते हैं तो yes, थोड़े से हमारे वाक्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है? yes, है ना? तो हम अपनी भाषा में ये संशोधन करेंगे, ठीक है? अब फिर से बोलिए, आप फिर से बोलकर बताइए। मैम नाटक वह होता है जिसको पात्र द्वारा दर्शाकर किसी के बारे में बताना या शिक्षा देना होता है। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप तो एक बार में ही सीख गए। चलिए yes, मैम। हाँ तो अब आपकी भाषा में तो सुधार हुआ। हाँ, नाटक वह है जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है। यस मैम। हाँ तो खासकर ये हम कह सकते हैं कि ये दृश्यात्मक गद्य है ना, मतलब नाटक yes, को पढ़ा भी जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है। दिखाया भी जा सकता है। आप लोग 15 अगस्त पर या फिर गणतंत्र दिवस पर नाटक करते हैं अपने विद्यालय में? यस मैम, एनुअल फंक्शन में भी करते हैं। यहाँ पे एनुअल फंक्शन में भी करते हैं। हाँ तो yes, वही तो वही नाटक है। अब नाटक के yes, जो विषय होते हैं वो क्या हो सकते हैं? नाटक के विषय हो सकते हैं सामाजिक, हो सकते हैं हम कोई ऐतिहासिक नाटक भी कर सकते हैं, है ना? यस मैम। चलिए वेरी गुड। जी शिक्षा देने के लिए भी कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, शिक्षा देने के लिए वही सामाजिक ऐतिहासिक या फिर शैक्षिक नाटक भी हम कर सकते हैं, है ना? चलिए yes, मैम। माइंड दीजिए अपनी कक्षा में। हाँ बेटा नाम बताओ। यस मैम, शुभम उइके। शुभम उइके, यस मैम। हाँ बेटा आप मुझे बताइए कि नाटक में और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? मैम नाटक में हम किसी घटना को बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैम किसी शिक्षा, किसी को शिक्षा देने के लिए कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं और उनके माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए सब लोग। हाँ अब नाटक अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें या हम अगर लिटरेरी फील्ड में जाएं तो हम कह सकते हैं कि साहित्य में अगर हम नाटक की बात करते हैं तो फिर नाटक में क्या चीजें और होंगी? नाटक में कुछ पात्र होंगे, है ना? नाटक का मंचन किया जा सकता है। नाटक के कुछ तत्व होते हैं, देश काल परिस्थिति, है ना, किस तरह का वातावरण था, तो इन पर हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। आप माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है? हम देखते हैं नाटक और एकांकी, अब दोनों को एक साथ देखेंगे ताकि आप लोग अंतर समझ पाए, ठीक है? हम फिर वही आते हैं कि जैसे उपन्यास और कहानी में अंतर है, क्या अंतर है? एक छोटे रूप में है और एक बड़े रूप में, तो ठीक वैसे ही हम नाटक और एकांकी को ले सकते हैं। नाटक में अधिक अंक होते हैं। आपने कभी स्टेज पर नाटक होते देखे हैं? जैसे कुछ साहित्यिक गतिविधियां अगर होती हैं, साहित्यिक नाटक होते हैं तो उनका मंचन जब होता है तो हम देख पाते हैं, या फिर हम पढ़े तो भी हमें समझ में आता है कि नाटक में अंक होते हैं, है ना? अलग अलग अंक होते हैं। एक अंक हुआ, अंक का अभिप्राय है कि एक घटना का प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर पर्दा गिरता है, अगले अंक का मंचन होता है, ठीक है, वो अंक कहलाते हैं। तो नाटक में बहुत सारे अंक हो सकते हैं, 4 या 5 अंक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अंकी, नाम देखिए एकांकी, एक अंक, तो जो एक अंक वाली दृश्य विधा है वो है एकांकी। दोनों का ही मंचन होता है, ठीक है, मंचन का अभिप्राय है जिसका अभिनय किया जा सके, तो दोनों को ही
मंच पर अभिनय अभिनीत किया जा सकता है, उनका अभिनय किया जा सकता है, लेकिन एकांकी में एक अंक मात्र होता है और नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं। आप उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जैसे नाटक का उदाहरण है अंधों का हाथी, और कोई एकांकी में हम देखते हैं दीपदान, है ना, दीपदान आपके है सिलेबस में। तो आप लोग अब देखेंगे कि नाटक और एकांकी का जो अंतर है वो है उपन्यास और कहानी के समान ही अंतर। अंतर सिर्फ इतना है कि नाटक में नाटक बृहद रूप में आता है और एकांकी एक हिस्से के रूप में आती है। नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं, 4 या 5 अंक कम से कम होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होगा। आगे बढ़ते हैं, एकांकी का उदाहरण आपने देख लिया दीपदान, राम कुमार वर्मा की एकांकी है दीपदान। नाटक अंधों का हाथी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, ये कुछ नाम हैं जिनके व्यंगात्मक नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आगे हम इन पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं आत्मकथा और जीवनी। अब हम देखेंगे आत्मकथा और जीवनी क्या है। आत्मकथा आत्म का अभिप्राय है स्वयं, ठीक है। आत्म की कथा आत्मकथा, मतलब जो स्वयं की कथा है वो आत्मकथा होगी। तो जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी को, अपने जीवन के हिस्से को अपनी लेखनी में उतारता है या स्वयं लिखता है तो वो कहलाती है आत्मकथा, ठीक है। लेकिन आत्मकथा का भी जो लेखक होता है उसके भाव, उसके विचार में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने जीवन की जो कथा वस्तु है उसको लेखनी में उतार सके। आत्मकथा का अभिप्राय है ऐसी कथा जो लेखक स्वयं के जीवन पर आधारित लिखता है। जीवनी, जीवनी का अभिप्राय है जब किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई और कुछ लिखे, है ना। कोई व्यक्ति किसी और के बारे में अगर कुछ लिखता है, किसी महान चरित्र के बारे में, तो वो कहलाएगी जीवनी, ठीक है। चलिए अब हम फिर से जाते हैं कहाँ, उज्जैन, शाजापुर, माइक ऑन कीजिए। शाजापुर माइक ऑन कीजिए। खंडवा, खंडवा माइक ऑन कीजिए। ऑन करो बेटा। आगे आके बोलो, आगे आके। नाम बताइए। खंडवा नाम बताइए बेटा। माइक ऑन कीजिए खंडवा। सर आप पीछे से थोड़ा सा आगे आइए और माइक ऑन करके बच्चों को दीजिए प्लीज। हेलो जी। हेलो, हेलो मैम। हाँ बेटा नाम बताइए। युवराज सिसोदिया। युवराज, अरे वाह बहुत अच्छा नाम है आपका। चलिए आप मुझे ये बताएंगे कि जीवनी क्या होती है, आपको समझ में आया जो अभी मैंने बताया। यस मैम। हाँ बताइए जीवनी क्या होती है। किसी के भी जीवन की मैम पूरी कहानी। अच्छा कौन लिखता है जीवनी, अपनी जीवनी हम खुद लिख सकते हैं। खुद लिखता है। खुद लिखता है, दूसरे लिखते हैं। दूसरे लिखते हैं, पक्का बताइए खुद लिखते हैं या दूसरा लिखता है। दूसरे
दूसरे लिखते हैं पक्का? यस मैम। हाँ यहाँ वहां से पूछ कर मत बताइए, आपको नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। चलिए हाँ जीवनी, हाँ जैसे हम पहले पढ़ते थे साहित्यकारों की जीवनियां पढ़ते थे ना, पहले हम आता था सूरदास जी की जीवनी लिखिए, है ना। मतलब किसी भी महान व्यक्ति के बारे में जब कोई और लिखता है तो वो जीवनी कहलाएगी, ठीक है। अब जीवनी और आत्मकथा में एक ये अंतर तो है कि लिखता कौन है, आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और जीवनी जो है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जीवन का लगभग लगभग संपूर्ण वर्णन जीवनी में भी आता है और आत्मकथा में भी आता है। अब एक अंतर इसमें हम यह देख सकते हैं कि आत्मकथा जो होती है, आत्मकथा में आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति आत्मकथा लिख रहा है उसका जीवन की जो घटनाएं हैं वो हमें प्रेरित करने वाली हों, ठीक है, प्रेरणास्पद हो, प्रेरणा देने वाली हो, या फिर समाज को कुछ सकारात्मक दे पाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन जीवनी, क्योंकि हमेशा जो अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं, जो समाज में कुछ कर गए हैं, उनके बारे में अक्सर जीवनी लिखी जाती है, इसीलिए जीवनी हमेशा प्रेरणादायी होती है, ठीक है। हमें जीवनी से हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है। अब हम आते हैं निबंध पर। निबंध का अभिप्राय है भावों या विचारों की बंधी हुई श्रृंखला, ठीक है। तो निबंध हम जब लिखते हैं किसी भी एक विचार को लेकर, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारी जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में कुछ कहानी भी है, अनुक्रमणिका जब आप देखेंगे, है ना, तो अनुक्रमणिका में कुछ कहानी है, कुछ एकांकी भी है, कुछ निबंध है, ठीक है। तो निबंध का अभिप्राय है किसी एक विचार को लेकर क्रमबद्ध रूप से लिखा गया लेखन। जैसे मान लीजिए वृक्ष, पर्यावरण, या फिर दहेज प्रथा, या किसी और विचार पर आप लोगों को अगर एक निबंध लिखने को दिया गया तो आप उसमें क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप से इस विषय पर अपने भावों को रखेंगे, ठीक है, ये कहलाता है निबंध। अब हम संक्षिप्त में और कुछ विधाएं देख लेते हैं जो कि सिर्फ समझने के लिए ही बहुत संक्षिप्त रूप में हम जिसे समझ सकते हैं। निबंध के बाद हम देखते हैं संस्मरण। संस्मरण का अभिप्राय होता है किसी का स्मरण करके या किसी घटना का स्मरण करके, किसी व्यक्ति का स्मरण करके, जीवन का कोई पक्ष स्मरण करके लिखी गई जो लिखा गया जो साहित्य है वो कहलाएगा संस्मरण, है ना। तो संस्मरण का अभिप्राय हो जाएगा ऐसा साहित्य जिसमें लेखक अपने जीवन की किसी घटना, किसी एक पक्ष या किसी बात, जीवन के किसी हिस्से, जीवन के किसी अच्छे अनुभव या बुरे अनुभव के बारे में जब संस्मरण करता है, याद करता है, स्मरण करता है और फिर अपने शब्दों में साहित्यिक रूप से उतारता है तो वह कहलाता है संस्मरण। आगे रेखाचित्र। रेखाचित्र में भी लिखा ही जाता है, गद्य रूप में ही लिखा जाता है, लेकिन लेखक उस तरह से लिखता है कि जब हम उस रेखाचित्र को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एक खाका खिंच जाता है पूरा, है ना, या एक चित्र हमारे समक्ष उभर कर सामने आता है ना। जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिस परिवेश के बारे में बात की जा रही है, उससे संबंधित ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है, ऐसी भाषा का चयन किया जाता है, ऐसे भाव होते हैं कि उनको पढ़कर हम, चूंकि वहां नहीं है जिस घटना के बारे में वर्णन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पहुंच जाते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा कोई मित्र, हम आपके कोई फ्रेंड कोई मूवी देखकर आए और आकर आपको स्टोरी सुना रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वो स्टोरी सुनकर हमें सब समझ में आ जाता है कि अच्छा फिर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम देखकर तो नहीं आए लेकिन हम सुन तो रहे हैं। तो सुनकर या पढ़कर जब हमारे समक्ष पूरा का पूरा चित्र उपस्थित हो जाए तो वो कहलाता है साहित्य में रेखा चित्र।
रिपोर्टाज, रिपोर्टाज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट, रिपोर्टाज का अभिप्राय होता है किसी घटना या कोई एक पक्ष है उसके बारे में रिपोर्ट बनाना, ठीक है, उसके बारे में प्रतिवेदन लिखना, वो कहलाएगा रिपोर्टाज। लेकिन अब चूंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी को साहित्य की दृष्टि से देखकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो रिपोर्टाज होगा वो किन्हीं घटनाओं का साहित्यिक परिवेश में, साहित्यिक रूप से अगर कोई रिपोर्टिंग की जा रही है वो कहलाएगा रिपोर्टाज। पत्र, पत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र होते हैं। डायरी, डायरी का अभिप्राय जीवन की घटनाओं को शाब्दिक रूप से उतारना, ठीक है, और किस रूप में उतारना, प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को शब्दों के ऐसे संयोजन के साथ उतारना कि वो अगर कोई और व्यक्ति भी पढ़े तो उसके लिए प्रेरणादायी हो, ठीक है, क्योंकि हम साहित्य की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो साहित्य की दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं तो ये डायरी वह डायरी होगी जो किसी ना किसी को प्रेरणा दे, समाज को कुछ दे सके, ठीक है, ये डायरी होगी। फिर अब है गद्य काव्य। गद्य काव्य का अभिप्राय है ऐसा काव्य जो कि गद्यात्मक रूप में लिखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ गद्य ऐसे होते हैं जो कुछ हिस्सा काव्य के रूप में होता है, कुछ थोड़ा बहुत जिसे हम कह सकते हैं कि उसको हम गाकर भी बोल सकते हैं और ऐसे भी सुना सकते हैं, ये हो जाएगा गद्य काव्य। अगला एक अंतिम है, काव्य के तीन रूप थे, पद्य, गद्य और मिश्रित। मिश्रित का अभिप्राय है गद्य और पद्य मिश्रित। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।